आपको एक ट्रेड करोड़पति बना सकती है। अब आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग पे 30% टैक्स और 1% TDS देने की नीड ही नहीं है। 22.99% के रिटर्न्स इन अ सिंगल ट्रेड, तो 23-40% का। अगर आपने मुझे इतना बड़ा इंसान समझा कि मैं 100 लोग अपने अंडर रख सकता हूँ, तो थैंक यू सो मच। बिटकॉइन में 10,000 से 1 लाख भी बना सकते हो। 10% बिटकॉइन ऑप्शन सेलिंग से डेली का रिटर्न। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचिक की एक नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत दिनों से अपनी TWS फैमिली की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाओ, जहां पे बेसिक्स बताओ क्रिप्टो क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है, इसमें क्यों ट्रेड करना चाहिए, इंडियन मार्केट बैठा है या क्रिप्टो बैठा है, ये सब चीजें हमें एक वीडियो बना के समझाओ। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो का ए से लेके जेड तक सारी नॉलेज दूंगा, जिसमें ये बताऊंगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग होती क्या है। यहाँ पे नोट कर देते हैं, व्हाट इज क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। पॉइंट नंबर 2 में आपको ये बताऊंगा कि व्हाई क्रिप्टो ट्रेडिंग, ठीक है, और इंडियन मार्केट वर्सेस क्रिप्टो ट्रेडिंग, और सबसे बड़ी कंफ्यूजन, इज इट लीगल, क्या ये लीगल भी है क्रिप्टो या इलीगल है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टैक्सेस क्रिप्टो पे, जैसे 30% टैक्सेस की बात होती है, क्या 30% टैक्सेस एक्चुअल में है क्रिप्टो में, क्या आप इससे बच सकते हो, ये सभी बातें आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो की क्रिप्टो ट्रेडिंग होती क्या है। तो देखो, जैसे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, तो आपके पास इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए क्या है, आपके पास है स्टॉक्स, आपके पास है इंडिसेस जैसे निफ्टी 50, आपके पास है कमोडिटीज, ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास है करेंसीज, ठीक है। तो ये 4 सेगमेंट्स होते हैं जिनमें आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो। स्टॉक ऑप्शंस भी होते हैं यहाँ पे, इंडिसेस में फ्यूचर्स ऑप्शन दोनों होते हैं, कमोडिटीज में भी फ्यूचर ऑप्शन दोनों होते हैं, करेंसीज में भी दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं आपके पास इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए। बट क्रिप्टो क्या है, अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो यहाँ पे आपको कॉइन्स मिलते हैं। आपने सुना होगा बिटकॉइन, आपने सुना होगा इथीरियम, आपने सुना होगा सोलाना, आपने सुना होगा एवेक्स, आपने बहुत से क्रिप्टो कॉइन सुने होंगे। और बहुत से लोगों का क्रिप्टो की तरफ इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। अब वॉलेटाइल, जैसे इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा वॉलेटाइल इंडेक्स बैंक निफ्टी को माना जाता है, उसके बाद आता है सेंसेक्स, बैंक एक्स। तो अब बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक एक्स में ट्रेडर्स का मैक्सिमम इंटरेस्ट क्यों होता है, क्योंकि उनको मिलती है वॉलेटिलिटी और उनको लगता है वो एक ट्रेड में पैसा 10 गुना कर लेंगे, ऐसा ही क्रिप्टो में। यहाँ पे आपके पास एक सिंगल ट्रेड में पैसा 10x करने की कैपेबिलिटी है, आप 10 गुना पैसा कर सकते हो सिंगल ट्रेड में, मतलब आपको एक ट्रेड करोड़पति बना सकती है, लखपति बना सकती है। बट ये ना भूलो भाई कि अगर करोड़पति लखपति ऐसे ही ट्रेड बना देती होती तो पूरी दुनिया अपनी फैक्ट्रीज और ये सब बंद करके क्रिप्टो ट्रेडिंग ही ना स्टार्ट कर देते। तो करोड़पति के साथ साथ इसमें दूसरी कैपेबिलिटी भी है आपको करोड़पति बनाने की। क्यों? क्योंकि जब भी आप एक वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेड करते हो, तो आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा अगर आप कहो कि पूरा दिन 24 घंटे सिस्टम के आगे ही बैठे हो, ट्रेड्स फाइंड करते हो, उजूर ट्रेड्स देते हो, तो फिर भाई आप करोड़पति की कैटेगरी में आ जाओगे। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप जब बड़ा मूव आए क्रिप्टो में जल्दी एग्जिट कर जाओ और छोटे मूव्स में बैठे हो, तो फिर भी आप करोड़पति की कैटेगरी में आ जाओगे, जैसा बैंक निफ्टी में हुआ है, जैसा सेंसेक्स में होता है। लोग क्यों करोड़पति की जगह इस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हमें पता ही नहीं, टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमें पता ही नहीं, साइकोलॉजी हमारी वीक है बहुत ज़्यादा, ये सब रीजंस हैं। अब बात करते हैं क्रिप्टो और इंडियन मार्केट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो एक जगह आई आपकी इंडियन मार्केट जो सुबह 9 से 3:15 तक काम करती है, 9:15 से 3:15 तक, और एक जगह आई आपकी क्रिप्टो मार्केट, ये 24 आवर्स ओपन रहती है, ठीक है। इंडियन मार्केट रेगुलेटेड है, इसमें सेबी, आपको पता है सेबी की हर रोज नई गाइडलाइंस आती है, ब्रोकर्स के ऊपर सेबी का कंट्रोल है, बहुत चीजें हैं, तो इंडियन मार्केट रेगुलेटेड है। बट जो आपकी क्रिप्टो मार्केट है ये सेल्फ रेगुलेटेड है, इसमें सेल्फ रेगुलेशन चलते हैं, यहाँ पे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। अब इंडियन मार्केट 5 डेज ओपन होती है, और इसमें 5 डेज में से भी कई बार हॉलीडेज आती हैं, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं तो हॉलीडेज रहती हैं। बट जो आपकी क्रिप्टो मार्केट है ये
24/7/365 days. मतलब एक हफ्ते में सातों दिन और पूरा साल, कोई हॉलीडे नहीं, कुछ नहीं, ये मार्केट कंटिन्यूस चलती है, तो यहाँ पे गैप अप्स गैप डाउन्स ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब बात आती है, क्या क्रिप्टो मार्केट वॉलेटाइल है? ये इतनी ज्यादा वॉलेटाइल है कि ये आपको 20% 30% 40% तक के मूव्स दे देती है बहुत आसानी से। आपने देखा होगा बिटकॉइन 40,000 से 70,000 भी गया, 70 से 50 भी आया, तो एक्सेसिवली वॉलेटाइल मार्केट। अब हमारा बैंक निफ्टी क्या है, 45 से 50 जाता है कितनी देर में, यहाँ पे 45 से 75 जाते हुए टाइम नहीं लगता, तो ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और बैंकेक्स, ये सब वॉलेटाइल है बट इसके जितना नहीं है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको एट पीक मिलेगी। अब बात आती है कि आपके पास क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए क्या क्या है। तो क्रिप्टो में क्या है, यहाँ पे आपको कॉइन्स ट्रेड करने होते हैं। जैसे आप बिटकॉइन को ट्रेड करोगे, आप इथीरियम को ट्रेड करोगे, आप सोलाना को ट्रेड करोगे, ये सब कॉइन्स होते हैं जिनमें आपको ट्रेड करना होता है। इथीरियम की वैल्यू $2,400 के अराउंड है, सोलाना की $140 के अराउंड है, बिटकॉइन की जो वैल्यू है दैट इज अराउंड 55-57,000। अब आज भी आपने देखा होगा न्यूज में बिटकॉइन 57,000 से 51,000 गया और सीधा 57,000 चला गया दोबारा। तो इतनी ह्यूज वॉलेटिलिटी इस मार्केट में आपको देखने को मिलती है। अब क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल है, ये सवाल लोगों को बहुत ज्यादा सताता है, तो मैं वीडियो में पहले ये क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहूंगा, फिर मैं आऊंगा। आपकी इंडियन गवर्नमेंट, हमारी सबकी इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो ट्रेडिंग को लीगल घोषित किया हुआ है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट क्या कहती है, अभी पूरी चीज सुनना फिर एक डिसीजन बनाना। गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी क्रिप्टो पे आपका प्रॉफिट होगा उस पे पड़ेगा 30% टैक्स, और साथ में जो भी क्रिप्टो पे आपका विड्रॉल होगा उस पे पड़ेगा 1% TDS। अब एक नई रेगुलेशन आ चुकी है इसमें, वो आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए आप समझो 30% टैक्स पड़ेगा और 1% पड़ेगा आपको TDS। तो आपको फ्रेम मिल जाएगा, टैक्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, हर विड्रॉल पे आपको 1% TDS पड़ता है। अब अभी तक तो ऐसा ही होता आया था, तो जब गवर्नमेंट ने किसी चीज पे टैक्स लगा दिया तो वो चीज लीगल होगी। और यहाँ पे सबसे घटिया बात क्या थी, गवर्नमेंट ने कहा टैक्सेस सिर्फ प्रॉफिट्स पे पड़ेंगे, आपके लॉसेस प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होंगे। सपोज मैं $100 का क्रिप्टो में प्रॉफिट कर रहा हूँ और मेरा लॉस $150 का है, $150 का, तो भी मुझे $100 पे टैक्स देना पड़ेगा, चाहे मैं नेट नेट नेगेटिव हूँ बट मुझे टैक्स अपने प्रॉफिट्स पे देना पड़ेगा। ये क्रिप्टो की सबसे घटिया बात थी अभी तक, जिसके कारण ट्रेडर्स ट्रेड नहीं करते थे, और जिनको नहीं पता था वो जब ITI फाइल करते थे तो उसके बाद ट्रेड करना छोड़ देते थे। बट अब इसमें एक बहुत बड़ा चेंज है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक क्रिप्टो एक्सचेंज को FIU सर्टिफिकेशन दे दी है और उसका नेम है डेल्टा एक्सचेंज। अब ये डेल्टा एक्सचेंज बहुत देर से चली आ रही थी ग्लोबली, बट अब आपको दिखेगा, मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, यू सी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ये वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपको डॉलर्स की जगह रुपीज में आपका अकाउंट शो होता है, अकाउंट की वैल्यू आप देखो डॉलर्स की जगह रुपीज में शो होती है आपको। आपको यहाँ पे अब बिटकॉइन को ट्रेड करने के लिए रुपीज में भी ट्रेड कर सकते हो। जब आप इसमें पैसा डिपॉजिट करोगे तो आप IMPS के थ्रू पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, जब आपको पैसा मिलेगा तो इंडियन रुपीज में वापस मिलेगा। और मैं आपको इनकी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, जब गवर्नमेंट ने इस एक्सचेंज को FIU सर्टिफाई किया तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी चीज कही। गवर्नमेंट ने कहा कि डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर जितनी ट्रांजेक्शन होंगी, ना तो उस पर 1% TDS पड़ेगा और ना ही उस पर 30% टैक्स पड़ेगा। जैसे आपकी नॉर्मल ऑप्शन ट्रेडिंग की इनकम पे टैक्स पड़ता है, बिजनेस इनकम में कैलकुलेट होती है, वैसे ही ये भी कैलकुलेट होगी। इतना चेंज कर दिया गया यहाँ पे, इतनी चीजें सिंप्लीफाई कर दी गई। और यहाँ पे आप देखोगे अगर डेटा इंडिया पे जाके, वी आर रजिस्टर्ड विद FIU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आर फुली कंप्लायंट विद इंडियन रेगुलेशंस। द रीजन आई एम मेकिंग वीडियो टुडे ऑन क्रिप्टो ट्रेडिंग इज कि अब आप क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगली कर सकते हो। अब आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग पे 30% टैक्स और 1% TDS देने की नीड ही नहीं है। ये सब चीजें अब क्रिप्टो ट्रेडिंग में खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे अब बात आती है करें कैसे। तो जैसे इंडियन मार्केट में आपके पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं, पहला होता है फ्यूचर्स को ट्रेड करना, सेकेंड होता है ऑप्शन को ट्रेड करना। तो अगर आप क्रिप्टो के ऑप्शन को ट्रेड करना चाहते हो, वैसे ही आपको ऑप्शन चेन मिल जाती है कॉल पुट, यहाँ पे डेली शाम को 5:30 बजे एक्सपायरी होती है। जैसे आपकी निफ्टी एक्सपायर होता है थर्सडे, बैंक निफ्टी वेडनेसडे, ये देखो
9th अगस्त एक्सपायरी, 10th अगस्त एक्सपायरी, 11th अगस्त एक्सपायरी, 16th अगस्त एक्सपायरी, तो ये एक्सपायरी डेली शाम को 5:30 बजे होती है इसकी। साथ ही साथ बिटकॉइन और इथेरियम दोनों में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की फैसिलिटी मिल जाती है डेटा एक्सचेंज में। बट आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बजाय ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कभी और करेंगे बिटकॉइन में, क्योंकि ऑप्शन बाइंग से बढ़िया बिटकॉइन में ऑप्शन सेलिंग है। और यहाँ पे इंडियन मार्केट जैसे मार्जिन नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो मैं बिटकॉइन की एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें आपको डेली ऑप्शन सेलिंग से बिटकॉइन पे 10% कैसे निकालना है वो दिखाऊं, और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दूं 2-3 दिन का, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं वो वीडियो बना दूंगा। 10% बिटकॉइन ऑप्शन सेलिंग से डेली का रिटर्न कैसे निकालना सेफ तरीके से, उस पर वीडियो बना दूंगा। चाहते हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में। बट अभी मैं यहाँ पे फ्यूचर्स की बात करने लगा हूं। तो जब हम फ्यूचर्स में जाते हैं तो अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो बिटकॉइन में 260 मिलियन का वॉल्यूम है। जब ये न्यूज आई थी ना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद करने का सोचा जा रहा है और ये सब चीजें हैं, तो हमारे बिटकॉइन के वॉल्यूम्स डेल्टा इंडिया के बहुत शूट कर गए थे। तो 260 मिलियन का वॉल्यूम 24 आवर्स में, ओआई देखोगे कितना है, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अब बात आती है आप किस किस कॉइन में ट्रेड कर सकते हो, कौन कौन से कॉइन है। यू हैव बिटकॉइन, यू हैव सोलाना, यू हैव XRP USD, यू हैव Wi-Fi, यू हैव BCH, Doge, Dot, Evers, BNB, Matic, JTO, Inju, कई कॉइन्स हैं। अब आपने कई वीडियोस देखी होंगी WazirX पैसा देके भाग गया, क्यों? It was not certified by Indian government. BitGet, बहुत से क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं, Binance, जो इंडिया में अलाउड ही नहीं है। तो डेल्टा एक ऐसी अकेली एक्सचेंज है जिसको इंडिया में लाइसेंस मिला है क्रिप्टो ट्रेड करने का। तो आप डेल्टा इंडिया में अकाउंट ओपन कराना चाहते हो मेरे लिंक से करा सकते हो। 5,000 रुपीज के ज्वाइनिंग के रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे आपको अकाउंट ओपनिंग पे। अगर आप देखोगे ये एक ब्रोशर भी डेल्टा इंडिया का मेरे हैंड में है, 5,000 रुपीज के रिवॉर्ड्स हैं, आप ज्वाइन करते हो ट्रेडिंग बेनिफिट्स दिए जाएंगे आपको। तो आप डेल्टा इंडिया में साइन अप करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो। ठीक है, आपको पहले बताया रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे तो करोड़पति, रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो करोड़पति। अब हमारा जो रॉबर्ट है वो कंपेटिबल है क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए, और पिछले कुछ दिनों से हमारे रोबोटिक ट्रेडिंग सिस्टम ने क्रिप्टो में ऐसे रिटर्न्स बनाए हैं कि बहुत से मेरे यूजर्स का क्रिप्टो में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बन गया है। तो अगर मैं आपको क्रिप्टो की पिछले कुछ दिनों की परफॉर्मेंस दिखाऊं तो आप देख के हैरान हो जाओगे कि सिंगल ट्रेड में इट हैज मेड 2000% के रिटर्न्स, 2299% के रिटर्न्स इन अ सिंगल ट्रेड, और वेरीफाइड है भाई। आप इस लिंक पे क्लिक करो, आपको वेरीफाइड P&L मिल जाएगा। वेरीफाइड P&L के साथ देखना चाहते हो तो देख सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाना ट्रेड विद संचित वेरीफाइड पे, मैंने वेरीफाइड P&L के साथ डाला हुआ 2300% का रिटर्न एक सिंगल ट्रेड में, एक सिंगल रात में। जाते भी ऐसे ही हैं, 100% 50% जाता भी ऐसे ही है, बनता भी ऐसे ही है, इतना वॉलेटाइल है ये। और हमारा बॉट, आप देखो ये बॉट चल रहा है, क्रिप्टो में प्रॉफिट चेंज हो रहे हैं, ये सब आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे मिल जाएगी। ये वीडियो भी मैंने अपने रोबोटिक यूजर्स की रिक्वेस्ट पे बनाई है, क्योंकि रॉबर्ट तो ट्रेडिंग करेगा बट यूजर्स को मेरे क्रिप्टो के बेसिक्स नहीं पता, तो मैं चाहता हूँ उनको बेसिक्स बताने, तो आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। 2300% की रिटर्न्स। आप देखो यहाँ ये तो चलो फॉरेक्स में चल रहा है हमारा बॉट, $12, 101% का रिटर्न सिंगल ट्रेड में। ये इंडियन मार्केट के प्रॉफिट्स है, इंडियन मार्केट में भी हमारा रॉबर्ट चलता है, 2000 रुपीज का रिटर्न, 25,000 रुपीज का प्रॉफिट, तकरीबन 752 रुपीज का प्रॉफिट। ये सब प्रॉफिट्स इंडियन मार्केट के हैं। पहले कमेंट आते थे ये सब प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स फेक हैं, अब मैंने लास्ट वीडियो में कह दिया इन सब स्क्रीनशॉट्स को फेक प्रूफ कर दो, 1 करोड़ का इनाम दूंगा। तो अब कमेंट आने लग पड़े ये सब प्रॉफिट्स संचित सर के टीम मेंबर्स के हैं। तो क्या भाई, मैंने 100 लोगों की टीम रख ली है अपने पास, डेली के 100+ स्क्रीनशॉट्स होते हैं यहाँ पे। भाई अगर आपने मुझे इतना बड़ा इंसान समझा कि मैं 100 लोग अपने अंडर रख सकता हूँ तो थैंक यू सो मच। मुझे भी प्राउड फील हो रहा है आज अपने आप पे, मैं इतना बड़ा नहीं बन गया अभी कि मैं 100 लोग अपने नीचे रखूंगा भाई, और वो भी ऐसे ट्रेडर जो इन करोड़ में अर्न करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्रिप्टो बॉर्ड पे जाओगे आपको इंस्टाग्राम पे पूरा सेक्शन बना दिख जाएगा वेरीफाइड P&L के साथ रिटर्न्स का। क्रिप्टो बॉर्ड $10, यहाँ पे 54%, यहाँ पे देखो $100, ये सब पिछले दिनों की क्रिप्टो बॉर्ड की रिटर्न्स है। अब इसको लॉन्च हुए 1 वीक हुआ है, हमने अपने एग्जिस्टिंग रॉबर्ट यूजर्स को इस पे शिफ्ट करवाया कि अब वो इसको भी यूज कर सकते हैं साथ में। तो ये सब चीजें हैं क्रिप्टो बॉर्ड की, ये सब रिटर्न्स है, आप देख सकते हो 23-40% का, 188% का, ये सब क्रिप्टो बॉर्ड का रिटर्न है आपके सामने, ये आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाके देख सकते हो। और ये हमारे मीटअप की भी कुछ पिक्चर्स हैं, ये भी आप देख सकते हो, शायद ये भी सब मेरे टीम मेंबर्स ही होंगे, नहीं तो ऐसे मेरे कहने पे इतने लोग तो आ नहीं सकते भाई।
मतलब छोटी सोच, पता नहीं कैसे लोगों की इतनी छोटी सोच है। चलो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, वाईफाई। अब यहाँ पे आपको एक बहुत खास बात है जो मैं बताना ही भूल गया। इंडियन मार्केट में अगर आपके पास 100 रुपए हैं, इफ़ यू हैव 100 रुपीज़ इन पॉकेट, तो आप 100 रुपए से ट्रेड कर सकते हो, उससे ज़्यादा से नहीं कर सकते, अच्छे सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ। बट यहाँ पे इफ़ यू हैव 100 रुपीज़ इन पॉकेट, तो आप 100 × 200 मतलब लगभग 20,000 रुपए से ट्रेड कर सकते हो। मतलब 100 रुपए के साथ आप 20,000 रुपए तक का ट्रेड कर सकते हो। तो सपोज बिटकॉइन की वैल्यू $66,000 है, तो आपको एक बिटकॉइन बाय करने के लिए 66,000 डिवाइडेड बाय 200 इतना पैसा चाहिए होगा। तो 200x का लीवरेज जिसमें मिलता है, लेना एडवाइजेबल नहीं है। आपने जब भी क्रिप्टो में ट्रेड करना फ्यूचर्स में, नेवर टेक लीवरेज एक्सीडिंग 25x। और वो कैसे एडजस्ट करते हैं, आप जब यहाँ पे अकाउंट पे जाते हो, चेंज मार्जिन मोड पे जाओ, आइसोलेटेड और पोर्टफोलियो दो ऑप्शंस होते हैं, चूज आइसोलेटेड, कंटिन्यू विद आइसोलेटेड मार्जिन, और यहाँ पे आपके पास लीवरेज का ऑप्शन आता है। ये मैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से आप लीवरेज एडजस्ट कर सकते हो, 1x, 25x, 50x, 100x, 150x, 200x। तो अब बात करते हैं, सपोज मुझे फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, तो क्या मुझे ट्रेड करने के लिए एक बिटकॉइन को बाय करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जैसे एक बिटकॉइन है इसमें 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इंडियन मार्केट में लॉट साइज होता है ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। यहाँ पे एक बिटकॉइन में 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट बिटकॉइन का बाय या सेल कर रहे हो, तो आप 0.001 BTC को कर रहे हो। मतलब आप इतने छोटे लॉट साइज से भी यहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हो। और 0.001 BTC के लिए 25x में कितना मार्जिन लगता है वो मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर पे बाय करना है एक कॉन्ट्रैक्ट, तो सिर्फ $2.5 लगते हैं। और अगर मैं कहीं पे इसको 200x कर दूं भाई, तो 0.29 USD लगता है। मतलब 20 रुपए में आप एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय सेल कर सकते हो। इतना लो मार्जिन से काम स्टार्ट हो जाता है। आपको मैंने कहा बिटकॉइन में 10,000 से 1 लाख भी बना सकते हो, और 1 लाख को जीरो भी कर सकते हो। ऐसे है। तो अब यहाँ पे बिटकॉइन के साथ साथ आपके पास इथेरियम को ट्रेड करने का भी ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे आपको इथेरियम में लेके जाऊं यहाँ से, तो आपको दिखेगा 1 कॉन्ट्रैक्ट में 0.01 इथेरियम होते हैं। तो अगर हम एक इथेरियम की बात करें, तो यू गेट 100 कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट। यहाँ पे आपको कितने मिल रहे थे, 1000, यहाँ पे मिलते हैं 100 कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम का बाय करते हो फ्यूचर का, तो आपको 0.01 इथेरियम बाय कर रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप सपोज इथेरियम करना चाहते हो, तो मैं यहाँ से इथेरियम सिलेक्ट करता हूँ। मैंने इथेरियम सिलेक्ट किया, बेस्ट ऑफर सिलेक्ट किया, आई गो टू 1 कॉन्ट्रैक्ट, मुझे $1 में मतलब 90 रुपीज में एक कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम का बाय कर सकता हूँ। ऐसे ही मुझे सपोज सोलाना में ट्रेड करना है, आई वॉन्ट टू ट्रेड इन सोल USDT, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा, एक सोलाना का मतलब 1 सोलाना इक्वल टू 1 कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं आपको ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज में ध्यान देने को नहीं कहूंगा, मेरा ध्यान है बिटकॉइन में, मेरा ध्यान है इथेरियम में, और मेरा ध्यान है सोलाना में। इसके अलावा क्वाइंस ना तो बड़े हैं, ना उनमें मूवमेंट मिलता है, ना वो ट्रेडिंग के लिए बढ़िया है। क्वाइंस तो बहुत है, एवेक्स भी है, और बहुत से क्वाइंस हैं। अब बात आती है इनका चार्ट आपने कहाँ पे देखना है। तो अगर आप डेल्टा पे ट्रेड करने जा रहे हो, आपके पास यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू है आपका, तो आपको क्रिप्टो पे जाना है। सपोज मुझे बिटकॉइन देखना है, तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के सारे चार्ट्स बिटकॉइन USDT परपेचुअल के लिए .p यूज होता है, तो मुझे यहाँ पे डेल्टा वाला चार्ट ओपन करना है। तो इस चार्ट की जो मेरी प्राइस होगी हमेशा, वो इसके साथ मैच करेगी। यहाँ पे अगर मैं आपको बिटकॉइन खोल के दिखाता हूँ, तो 58,771 का यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे भी वही प्राइस का आपको चलता हुआ मिलेगा। 58 ऊपर प्राइस क्या आ रही है उसको मैच कर लो, एग्जैक्टली सेम प्राइस होगी यहाँ पे आपकी। तो ये वाला सेम चार्ट आपको डाटा में देखने को मिल रहा है। अब बात आती है इसको ट्रेड कैसे करना है बिटकॉइन को, तो यहाँ पे भी वही सब चीजें हैं। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे आपको लेके चले जाऊं, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे जोन्स बनते हुए, जैसे यहाँ पे एक डिमांड जोन बनता हुआ मिला, यहाँ पे एक जोन बनता हुआ मिला, ये जोन्स है। और मार्केट स्ट्रक्चर आपको क्या बताया है कि बिटकॉइन एक अप ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ तक इसकी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो ट्रेड करने का तरीका वही है, सपोज ये रेजिस्टेंस टूटती है तो मैं ये टारगेट के लिए ट्रेड कर लूंगा, ये टूटती है तो मैं ये टारगेट के लिए ट्रेड कर लूंगा।
अब 60,000 मुझे एक टारगेट दिख रहा है, 62,000 एक टारगेट दिख रहा है, और बिटकॉइन के ये 4,000-5,000 का मूव कुछ भी नहीं है। आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाए ना, जहां पे पैसे बहुत ज्यादा 2300% के रिटर्न्स बने हैं, वो इस मूव में बने हैं। ये मूव यहाँ पे जो बड़े बड़े मूव्स आए थे, यहाँ पे 2300% तक के रिटर्न्स बने हैं। आपके भी बन सकते हैं, बस आपको होल्ड करना आना पड़ेगा। इतना बड़ा मूव होल्ड कैसे करना है, वो होल्ड करना आना पड़ेगा। और जो हमारे रोबोटिक यूजर्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप इन मूव्स में अपने आप बैठे होंगे, आपका यहाँ कहीं पे एग्जिट हुआ होगा। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो क्रिप्टो के साथ, तो आपको पता होगी ये बात। ऐसे ही इथेरियम का भी चार्ट मैं ऐसे ही देख सकता हूँ, सभी के चार्ट ऐसे ही देख सकता हूँ। और मैनुअली अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करना चाहता हूँ, आप रोबोटिक यूजर नहीं हो, आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो, मैं बाय लॉन्ग यहाँ पे लीवरेज 25x चेक करता हूँ, मुझे यहाँ से बेस्ट ऑफर से जाके बाय करना है सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, और यहाँ पे नीचे मेरी ऑर्डर हिस्ट्री में वो ऑर्डर शो होने लग पड़ेगा। ओपन ऑर्डर्स में, पोजीशंस में, यहाँ पे सारा ऑर्डर आने लग पड़ेगा। जो ऑर्डर ओपन होगा वो यहाँ पे आएगा, जो लाइव पोजीशन चल रही होगी वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे वो सब चीजें आपकी आने लग पड़ेंगी, और यही सब मेथड है बिटकॉइन में। अगर आप कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चाहते हो मेरे से, तो भी बता देना। बाकी आपको बताया बिटकॉइन में ऑप्शन सेलिंग से 10% डेली बनाने का तरीका, चाहिए तो पूरी वीडियो बना के दे दूंगा। और फ्यूचर्स में काम करना चाहते हो बिटकॉइन में, तो बहुत कम मार्जिन के साथ डेल्टा में कर सकते हो लीगली, विदाउट पेइंग ह्यूज टैक्स, विदाउट गेटिंग अ होल इन योर पॉकेट। और यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज वैसे ही हैं, इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो आप, प्राइस एक्शन यूज कर सकते हो। प्राइस एक्शन तो आपको अभी मैंने चार्ट पे बना के दिखाया, वरना आके टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया कि कैसे यहाँ पे आपको बिटकॉइन एक अप ट्रेंड में जाता हुआ मिल जाए। ठीक है, आपको यहाँ पे टारगेट्स दिख रहे हैं बिटकॉइन की, एज वी टॉक एक टारगेट तो आता हुआ दिख रहा है बिटकॉइन में। अभी मैंने आपको यही बताया, ऊपर जाएगा तोड़ के तो 62,000 का आपको टारगेट मिलेगा, उसको तोड़ के जाएगा तो आपको उसके ऊपर और टारगेट्स मिलेंगे। ये सब प्राइस एक्शन है। अगर आप इसमें कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहते हो, जैसे वी वैप वाली, सुपर ट्रेंड वाली, तो वो भी आपको बना के दे सकता हूँ मैं। वो चाहिए वीडियो के नीचे वो बता देना, ये चाहिए ये बता देना। बाकी क्रिप्टो ट्रेडिंग की वीडियो कैसे लगी बता के जाना कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, जिनको लगता है 30% टैक्स आज भी है क्रिप्टो ट्रेडिंग में, उनके साथ शेयर कर दो। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।